हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरंस। आज हम यहाँ पे विजनर्स का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले 12 दिसंबर 2020 का। सो आज हम फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने रिलीज़ किया है ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल 2020। बिल में यहाँ पे रिपील एंड रिप्लेस करेंगे इंडियन पोर्ट एक्ट जो 1908 का था, टू इफेक्टिवली रेगुलेट एंड कंट्रोल द पोर्ट्स इन इंडिया एंड फैसिलिटेट द स्ट्रक्चर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट सेक्टर। की फीचर्स ऑफ द बिल क्या है इस बिल के? सेंटर मैरीटाइम पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी MPRA जिसे बोलते हैं, ये रेगुलेट करेगा स्टेट मैरीटाइम बोर्ड एंड स्केड्यूल पोर्ट। इसका एम है टू एंश्योर द ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन मैरीटाइम पोर्ट सेक्टर थ्रू क्रिएशन ऑफ इम्प्रूव्ड एंड कॉम्प्रेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ द न्यू पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्ट। इसके बाद यहाँ पे फार्मुलेशन ऑफ द मैरीटाइम पोर्ट ट्रिब्यूनल, मैरीटाइम पोर्ट्स एपलेट ट्रिब्यूनल, ये कर्व करेंगे एनी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस इन द पोर्ट सेक्टर। फार्मुलेशन ऑफ द नेशनल पोर्ट पॉलिसी इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड MPRA टू क्रिएट फ्रेमवर्क फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट। उसके बाद में यहाँ पे MPRA शाल प्रिपेयर करेंगे नेशनल पोर्ट प्लान इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल पोर्ट पॉलिसी। उसके बाद यहाँ पे इनकॉर्पोरेटिंग ऑल अप टू डेट द कन्वेंशन ऑफ द प्रोटोकॉल्स टू विच द इंडिया इज अ पार्टी, ये हेल्प करेगा इंश्योर द सेफ्टी, सिक्योरिटी, पोल्यूशन कंट्रोल, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द पोर्ट। मिनिस्ट्री ने यहाँ पे रिसेंटली रिलीज़ किया है यहाँ पे ड्राफ्ट मर्चेंट शिपिंग बिल 2020 का, ड्राफ्टेड कोस्टल शिपिंग बिल 2020 टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द इंडिया शिपिंग इंडस्ट्री के लिए। और मैप में आप देख सकते हो मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं। कांडला है गुजरात में, मुंबई, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुरमुगाव है गोवा में है, न्यू मैंगलोर कर्नाटका, कोचीन केरला में, टूटिकॉन है, एन्नोर है चेन्नई है, विशाखापट्टनम, पैरादीप कोलकाता है, ऐसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है। इसके बारे में आपको लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इंडिया उज़्बेकिस्तान इंक 9 एग्रीमेंट टू फर्दर कोऑपरेशन। एग्रीमेंट में यहाँ पे साइन किया है इन द रेंज ऑफ द एरियाज इंक्लूडिंग न्यूज़ एंड रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इन शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स। उज़्बेकिस्तान इज़ अ की कंट्री टू फर्दर इंडियाज इंटरेस्ट इन द सेंट्रल एशिया रीजन CAR। ये आप देख सकते हो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है, आपको इसकी कैपिटल मैप्स एंड लोकेशन जो कैस्पियन सीज है यहाँ पे उसके बारे में पता होनी चाहिए। समटाइम्स आपको नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट ऐसा पूछा जा सकते हैं कैपिटल लोकेशंस प्लेसेस इन न्यूज़ में। सिग्निफिकेंस ऑफ द CAR फॉर इंडिया, क्या सिग्निफिकेंस है? कनेक्टिविटी है। CAR लाइज इन द मिडल ऑफ द यूरेशियन कंटेंट एंड कैन हेल्प इन इंडिया अचीव कनेक्टिविटी टू यूरोप। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। CAR इज़ अ ह्यूज कंज्यूमर मार्केट फॉर द रेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय इंडिया। ऑल्सो CAR इज़ अ रिच इन आयरन, कोर, कोल, ऑयल, गैस, गोल्ड, लीड, जिंक, मोलिब्डेनम, यूरेनियम एक्सेट्रा, प्रोवाइडिंग द ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट। एनर्जी सिक्योरिटी में भी यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। CAR हैज़ द एबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विच कैन हेल्प इंश्योर द एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द इंडिया, इंश्योरिंग रीजनल फीस एंड स्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी इन द रीजन कुड इम्पैक्ट इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी एंड इम्पैक्ट इंडियाज ओवरसीज प्रोजेक्ट सच एज तापी पाइपलाइन जो है इंडिया का। चैलेंजेस क्या है? ग्रोविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइना वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, लैक ऑफ द एक्सेसिबिलिटी एज द इंडिया डज नॉट शेयर फिजिकल बॉर्डर विद द CAR, फिजिकल बॉर्डर शेयर नहीं करता है। डोमेस्टिक चैलेंजेस फेस बाय द रीजन, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, अथॉरिटेरियन एंड रेजिमेस टेररिज्म एक्सेट्रा, ये यहाँ पे चैलेंजेस बताए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज NCDs अकाउंट फॉर द सेवन ऑफ द वर्ल्ड टॉप 10 कॉजेज डेथ। नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज होता है ये टॉप 10 कॉजेज ऑफ द डेथ में से 7 नंबर पे अकाउंट करता है। ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट GHE ने यहाँ पे रिलीज़ किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट ये रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। एस्टिमेट किया है दैट ऑल द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज टुगेदर अकाउंटेड फॉर द 74% ऑफ द डेथ ग्लोबली 2019। अदर फाइंडिंग्स में यहाँ पे पता है हार्ट डिसीज आर द रिमेन लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ 16% ऑफ द टोटल वर्ल्ड वाइड फॉर द लास्ट 20 ईयर्स एंड ग्लोबल डिक्लाइन इन द डेथ फॉर कम्युनिकेबल डिसीज दो दे रिमेन मेजर चैलेंजेस इन द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। लाइफ स्पैन्स हैव इंक्रीज ओवर द ईयर्स विद द ग्लोबल एवरेज मोर दैन 73 ईयर्स इन 2019 कंपेयर टू नियरली 67% इन 2000 में। बड़ा है यहाँ पे लाइफ स्पैन 73 ईयर्स तक हम जी सकते हैं जबकि 2000 में 67 ईयर तक ही हम जी सकते थे। डिसेबिलिटी इज़ ऑन द राइज ग्लोबली। एनसीडी आल्सो नोन एज द क्रोनिक डिसीज टेंड टू बी द लॉन्ग ड्यूरेशन एंड आर द रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंट एंड बिहेवियर फैक्टर्स। मेन टाइप्स ऑफ द एनसीडी आर कार्डियोवास्कुलर डिसीज लाइक हार्ट अटैक एंड द स्ट्रोक कैंसर क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज सच एज द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज अस्थमा डायबिटीज। फिजिकल इनएक्टिविटी भी एंड अनहेल्दी डाइट ये भी रीज़न यहाँ पे दिए गए हैं। डाइट्स लो इन फ्रूट वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स बट हाई इन सॉल्ट एंड फैट। टोबैको यूज एंड हार्मफुल यूज ऑफ द अल्कोहल आर द मेन बिहेवियर रिस्क फैक्टर्स ऑफ द एनसीडी। उसके बाद यहाँ पे एक लैंसेट सिटीजन्स कम्युनिकेशन सॉरी कमीशन ऑन द रिमेनिंग इंडियाज हेल्थ सिस्टम लॉन्च किया गया है। इट इज़ अ क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव टू डेवलप द सिटीजन्स रोड मैप टू अचीविंग द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ द 10 ईयर। गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर दिस कमीशन इज दैट द स्ट्रक्चरल चेंजेस टूवर्ड्स द यूएससी कैन ओनली बी अटेन थ्रू कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट विद द ड्राइवर्स सेक्टर इन्वॉल्व इन हेल्थ सेक्टर। इट वुड ऑल्सो प्रोपेल द सिटीजन्स मूवमेंट्स टू डिमांड द प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ द एस्पिरेशन हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट्स। यूएससी मीन्स दैट ऑल द पीपल्स हैव टू एक्सेस द हेल्थ सर्विसेज दे नीड वेन एंड वेयर दे नीड देम विदाउट फाइनेंशियल हार्डशिप। इसमें इंक्लूड किया गया है हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन एंड पैलिएटिव केयर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में यहाँ पे डिसीजेस प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन थ्रू द क्रिएशन ऑफ द 150,000 SWCs बाय द ट्रांसफॉर्मिंग एग्जिस्टेंस ऑफ सेंटर एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइड करता है कवर ऑफ द 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस द पब्लिक एंड द प्राइवेट एम्पैनल हॉस्पिटल्स। ये आपको पता ही होगा, बहुत न्यूज़ में था। उसके बाद यहाँ पे चैलेंजेस फेस बाय द इंडिया इन अचीविंग द यूएससी लैक ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर हाई डिसीज प्रेवलेंस इशूज ऑफ द जेंडर इक्वलिटी अनरेगुलेटेड एंड फ्रेगमेंटेड हेल्थ केयर एंड डिलीवरी सिस्टम्स नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द एडिक्वेट स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा। आयुष्मान भारत स्कीम यहाँ पे 2018 में लॉन्च हुई थी एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 टू अचीव द यूएससी। इट कंप्राइज ऑफ द टू इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स। इन्फोग्राफिक्स में यहाँ पे दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लान्स 3D प्रिंटिंग पॉलिसी। अब जो ये पॉलिसी हेल्प करेगा यहाँ पे टू डेवलप अ कंड्यूसिव इकोसिस्टम फॉर द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ 3D प्रिंटिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ग्लोबल मार्केट फॉर द 3D प्रिंटिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिच $34.8 billion बाय 2024। द पॉलिसी वुड प्रमोट द 3D प्रिंटिंग इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। हेल्प करेंगे डोमेस्टिक कंपनीज ओवरकम द टेक्निक इकोनॉमिक्स बैरियर सो दैट दे कैन बिल्ड सपोर्टिव एंड एंसिलरी फैसिलिटी फॉर द वर्ल्ड लीडर इन द टेक्नोलॉजी सच एज यूएस एंड चाइना। 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यूज करता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग टू मेक द प्रोटोटाइप और वर्किंग मॉडल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय लेइंग डाउन द सक्सेसफुल लेयर ऑफ द मटेरियल सच एज प्लास्टिक रेजिन्स थर्मोप्लास्टिक मेटल्स और फाइबर और सिरेमिक्स विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर। The model to be printed is first developed by the computer which then gives the instruction to the 3D printer. 3D printing is the opposite of the subtractive traditional manufacturing which is cutting out, hollowing out of the piece of the metal for the plastic with the, for instance, milling machine. Applications area kya hai such product? Medical and allied sector mein use honge, auto and ancillary auto, motor spare part business, consumer electronics printed, circuit board etc. Isme ye use honga. So ye aap infographics dekh sakte ho, 3D CAD model kya hai, STL,
स्लाइस लेयर टूल, 3D प्रिंटर, 3D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ छोटी छोटी न्यूज़ हैं आज के इसमें। एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी APVAX, ये एक $9 बिलियन का इनिशिएटिव है, लॉन्च किया गया है बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये हेल्प करेगा इट्स डेवलपिंग मेंबर इकोनॉमिक्स टू फेक्योर प्रोक्योर द डे एंड डिलीवर द कोरोना वायरस वैक्सीन। ये फार्ट्स कवर करता है बाय इट्स फैसिलिटी इंक्लूड कोल्ड चेन स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो प्रोसेसिंग फैसिलिटी। APVAX हैव टू कंपोनेंट्स, रैपिड रिस्पॉन्स कंपोनेंट है जो सपोर्ट करेगा क्रिटिकल वैक्सीन डायग्नोस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ द वैक्सीन एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द वैक्सीन के लिए। प्रोजेक्ट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द सिस्टम फॉर द सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवरी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द वैक्सीन अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग कैपेसिटी। उसके बाद यहाँ पे प्रतास आइलैंड, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, प्रतास आइलैंड न्यूज़ में था, इसे डोंगसा आइलैंड भी बोलते हैं, अभी इमर्ज एज अ न्यू फ्लैश पॉइंट इन साउथ चाइना सी। आप देख सकते हो यहाँ पे लोकेशन, कौन कौन से कंट्री से कितना कितना डिस्टेंस दिया है ये भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। और आइलैंड यहाँ पे लोकेट है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द ताइवान। रिसेंटली एक्सपर्ट ने यहाँ पे इंक्रीज किया है वार्निंग ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ द चाइनीज अटैक टू कैप्चर द प्रतास आइलैंड। इफ द चाइना कंट्रोल द प्रतास आइलैंड, द आइलैंड कुड फंक्शन एज अ गेट कीपर टू मोनिटर द US एंड द अदर कंट्रीज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट एंटरिंग द साउथ चाइना सी फ्रॉम द पैसिफिक ओशन। यहाँ पे शाहतूत डैम अभी ये न्यूज़ में था, और ये इंडिया यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेगा शाहतूत डैम अपॉन द मालदान रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ द काबुल रिवर इन अफगानिस्तान। बेनिफिट्स क्या है, ये प्रोवाइड करेगा इरीगेशन फैसिलिटी, सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू अराउंड 2 बिलियन पीपल इन द सिटी ऑफ द काबुल, रिचार्ज द अंडरग्राउंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज इन एंड अराउंड काबुल एट्सेट्रा। उसके बाद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि स्कीम के बारे में यहाँ पे बताया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने यहाँ पे लॉन्च किया है प्रोग्राम ऑफ द सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग ऑफ PM स्वनिधि बेनिफिशियरी एंड देयर फैमिलीज बेस्ड ऑन द प्रोफाइल डाटा। बेनिफिट्स ऑफ वेरियस एलिजिबल सेंट्रल स्कीम वुड बी एक्सटेंडेड टू देम फॉर देयर होलिस्टिक सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए। PM स्वनिधि वॉज लॉन्च विद द ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन अप टू 10,000 crore टू स्ट्रीट वेंडर फॉर फैसिलिटिंग द रिजम्पशन ऑफ देयर लाइवलीहुड एडवर्सली अफेक्ट द COVID-19, जो COVID-19 से अफेक्ट हुए थे। और उसके बाद यहाँ पे रामानुजन प्राइज़ फॉर द यंग मैथमेटिक्स हैं, डॉक्टर कैरोलिना अरोजो मैथमेटिशियन फ्रॉम ब्राज़ील ने रिसीव किया 2020 का अवार्ड फॉर हर वर्क इन अलजेब्रिक ज्योमेट्री। डॉक्टर कैरोलिना इज़ द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव द प्राइज इज गिवन द एनुअली सिंस 2005 टू रिसर्चर्स फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री हु इज लेस देन 45 ईयर्स द एज। अवार्ड हैज़ बीन इंस्टीट्यूट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द मेमोरी ऑफ द श्रीनिवास रामानुजन वॉज द इंडियन मैथमेटिशियन वो मेड स्पेक्टेकुलर कंट्रीब्यूशन टू द एलिप्टिक फंक्शंस, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, इनफाइनाइट सीरीज एंड एनालिटिकल थ्योरी ऑफ द नंबर्स। इसके बाद यहाँ पे इंडियाज इंडिजीनियस mRNA वैक्सीन, इसके बारे में अभी न्यूज़ में था, इंडियाज इंडिजीनियस mRNA वैक्सीन HGCO19 डेवलप किया है बाय द पुणे बेस्ड कंपनीज जिनोवा, has received the approval from the drug controller general of the India DCGI to carry out the phase 1 and 2 clinical trials on humans. mRNA vaccine carries karta hai molecular instruction to make the proteins in the body through a synthetic RNA of the virus. The host body use this is produce the viral protein that is recognized, thereby making the body mount and human response against the disease. So ye आज की न्यूज़ थी 12th December 2020 की। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। आपको कुछ फीडबैक वगैरह देने होंगे, कुछ सजेशन या सुझाव, सो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हो। थैंक यू सो मच।